नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल हाईकोर्ट ने खारिज किया जेबीटी भर्ती मामले में सरकार का पुनर्विचार आवेदन। जी हाँ, जेबीटी भर्ती मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के पुनर्विचार आवेदन को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने अदालत से आवेदन किया था कि 6 मई को पारित आदेशों पर पुनर्विचार किया जाए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यन वेद की खंडपीठ ने पुनर्विचार आवेदन को खारिज करते हुए कहा है कि 6 मई के आदेश स्पष्ट हैं। आपको बता दें कि 6 मई को अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि जेबीटी पदों को एनसीटीई की ओर से जारी 28 जून 2018 की अधिसूचना के अनुसार भरा जाए। हिमाचल में 48 सड़कें बाधित, 55 बिजली ट्रांसफार्मर और 42 पेयजल योजनाएं भी ठप। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में सोमवार को मानसून कमजोर रहा। राजधानी शिमला और कांगड़ा में हल्की बूंदाबूंदी हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। रविवार रात को बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और शिमला जिला में बादल झमाझम बरसे। मनाली ग्रामपुर काजा मार्ग में फंसे 105 लोग 14 घंटे बाद सुरक्षित बचाकर कोकसर पहुँचा दिए गई। इसके साथ ही सोमवार शाम तक प्रदेश में 48 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही, 55 बिजली ट्रांसफार्मर और 42 पेयजल योजनाएं भी बंद रही। हिमाचल में सस्ता हुआ व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर, जाने नए दाम। जी, हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर 36 रुपये सस्ता हो गया है। व्यावसायिक उपभोक्ताओं को इस माह गैस सिलेंडर लेने के लिए 2174 रुपये चुकाने पड़ेंगे। सोमवार को अगस्त के लिए जारी हुए गैस सिलेंडर के दाम से कारोबारियों को हल्की राहत मिली है। हाईकोर्ट में बीड बिलिंग हादसे की सुनवाई 8 अगस्त तक टली। जी हां, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में बीड बिलिंग हादसे की सुनवाई 8 अगस्त तक टल गई है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बारोबोलिया की खंडपीठ के समक्ष यह मामला रखा है। बीड बिलिंग पैराग्लाइडिंग के सुरक्षा मानकों के चलते अदालत ने प्रस्तावित बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण पर भी रोक लगा दी थी। इस बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण अवतरण जगह पर किया जाना प्रस्तावित है। अभी इसकी धरातल मंजिल ही तैयार हुई है। पैराग्लाइडिंग के सुरक्षा मानक पूरे न होने की वजह से यहाँ लगातार यहाँ हादसे हो रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 12 साल के आदमी की पैराग्लाइडिंग के दौरान मौत हो गई थी। समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों पर अदालत ने कड़ा संज्ञान लिया है। हिमाचल में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत, 859 नए पॉजिटिव मरीज। जी, हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 3 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। जिला बिलासपुर के 78 वर्षीय बुजुर्ग, हमीरपुर जिले के 82 वर्षीय बुजुर्ग और जिला कांगड़ा के 50 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ा। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 5572 हो गई है, जबकि 92 लोग अस्पतालों में भर्ती है। प्रदेश में बड़ा हादसा, गोविंद सागर झील में डूबने से पंजाब के 7 युवकों की मौत। जी, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गोविंद सागर झील में डूबने से पंजाब के 7 युवकों की मौत हो गई है। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। युवक मोहाली पंजाब के रहने वाले थे। पुलिस थाना बंगाना से मिली जानकारी के मुताबिक गांव कोलका बाबा गरीबदास मंदिर के पास गोविंद सागर झील में करीब 3:50 में यह हादसा हुआ। हिमाचल संयुक्त कर्मचारी महासंघ चौहान बोले, 3 हफ्ते में कर्मचारियों के मसले नहीं सुलझाए तो आंदोलन। जी हां, महासंघ सरकार से संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान, एकमुश्त भुगतान सहित 3% महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने की मांग प्रमुखता से कर रहे हैं। सरकार विभागों में लगे आउटसोर्स कर्मचारियों और कंप्यूटर शिक्षकों को अस्थायी करने के मुद्दे को भी उठाया गया है। परवाणू में 4 ट्रक और बस आपस में टकराए, 1 घायल। जी, कालका शिमला नेशनल हाईवे पर 4 ट्रकों के लेदर गर्म होने से स्टीयरिंग जाम हो गए। इसके चलते ट्रक एक दूसरे से टकरा गई, जबकि एक ट्रक बस से टकराकर सड़क पर पलट गया। इस हादसे में बस में सवार एक व्यक्ति को हल्की चोटें आई है, जिसे तुरंत ESI अस्पताल परवाणू ले जाया गया, जहाँ पर व्यक्ति का उपचार जारी है। आपको बता दें कि हादसे से के बाद TTR में करीब 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। कैथली घाट ढली फोरलेन पर 2.5 साल में दौड़ने लगेंगे वाहन। जी, कालका शिमला फोरलेन प्रोजेक्ट के तीसरे चरण के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। कैथली घाट से ढली तक के हिस्से का निर्माण कार्य 2 कंपनियों को अवार्ड कर दिया गया है। 2 पैकेज में 28.45 किलोमीटर लंबे फोरलेन पर 39,14.77 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कंपनियों को 2.5 साल के भीतर फोरलेन बनाने का लक्ष्य दिया गया है। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर 2019 से फोरलेन निर्माण कार्य बंद पड़ा है। नेशनल हाईवे पर पहुंचा ब्यास नदी का पानी, आवाजाही बंद। जी हां, मूसलाधार बारिश के चलते ब्यास उफान पर है। रविवार शाम करीब 5 बजे चंडीगढ़ मनाली NH दवाड़ा के पास ब्यास के पानी में डूब गया। इस कारण NH पर यातायात बंद कर दिया गया है। वाहनों को बाया बजोरा वैकल्पिक मार्ग से भेजा जा रहा है।
एनएच पर लंबा जाम लग गया है। प्रशासन ने जान माल के नुकसान से बचने के लिए हाईवे को आगामी आदेशों तक बंद कर दिया है। डीसी मंडी अरिंदम चौधरी ने बताया कि दवाड़ा में व्यास का पानी सड़क पर आ गया है। तई के सरसों तेल का कोटा अगस्त में ले सकेंगे उपभोक्ता। जी, हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ता अब जुलाई के सरसों तेल का कोटा अगस्त में भी ले सकेंगे। सरसों तेल के शॉर्ट टेंडर में समय लगने पर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। हिमाचल में 20% उपभोक्ता ही जुलाई के तेल का कोटा ले पाए हैं, क्योंकि जुलाई में डिपो में देरी से तेल की सप्लाई पहुंची है। ऐसे में उपभोक्ताओं को जुलाई और अगस्त के तेल का कोटा एक साथ मिलेंगी। MLA के DO नोट पर किया प्रिंसिपल का तबादला रद्द। जी, विधानसभा क्षेत्र भरौंच से भाजपा विधायक एवं उप मुख्य सचेतक कमलेश कुमारी के DO नोट पर किया गया तबादला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। कमलेश कुमारी का विधानसभा क्षेत्र भरौंच है, लेकिन उन्होंने विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर के एक स्कूल में प्रिंसिपल के तबादले के लिए अपना DO नोट दिया था। संबंधित स्कूल प्रधानाचार्य का सेवाकाल 3 वर्ष से कम होने के चलते उन्होंने उच्च न्यायालय ने इन आदेशों को चुनौती दी थी। लाहौल स्पीति में फंसे 105 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। जी, लाहौल स्पीति में फंसे 105 पर्यटकों को प्रशासन ने देर रात करीब 2 बजे रेस्क्यू कर लिया है। ग्राम्फू काजा मार्ग पर HRTC की बस और अन्य 20 छोटे वाहनों में 105 लोग फंस गई थी। SP लाहौल मानव वर्मा ने बताया कि डोहरनी नाले में बाढ़ आने से पर्यटकों समेत 105 लोग फंस गए थे। एक गाड़ी को भी बाढ़ से नुकसान पहुँचा है। वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर। हिमाचल में आधार से लिंक होंगे मतदाता पहचान पत्र। जी, हिमाचल प्रदेश में अब कोई भी व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं कर पाएगा, ऐसा करने वाले पकड़े जाएंगे। राज्य में निर्वाचन आयोग मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने जा रहा है। आपको बता दें कि आधार से लिंक करने का अभियान सोमवार को शुरू हो गया है। इसका शुभारंभ मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने किया। आधार लिंक करने का कार्य अगले साल 31 मार्च तक चलेगा। इसके साथ ही आधार संख्या केवल मतदाता सूची डाटाबेस से जोड़ी जाएगी तथा इसे गोपनीय रखा जाएगा। अभियान के अंतर्गत अपनी आधार संख्या का मतदाता सूची पर दर्शाना पूर्ण रूप से स्वैच्छिक होगा एवं इसका मतदाता के नाम पंजीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आज की सिलसिलेवार खबरों का सिलसिला यहीं खत्म हुआ। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। धन्यवाद। सुप्रभात।